ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। परमात्मा की हम सभी अमर संतान हैं और इस संगम युग पर स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि मेरे मीठे बच्चों, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। कैसे? परमात्मा की पढ़ाई क्या है? दिव्य गुणों से भरा, दिव्य खजानों से भरा। तो जैसे जैसे पढ़ाई में हमारी लगन बढ़ेगी तो हर बातों को हम समझेंगे, जीवन में उतारेंगे, फिर वो दिव्य स्वरूप की ओर, जो अंतिम स्वरूप फरिश्ता स्वरूप कर्मातीत अवस्था, वो प्राप्त होगी। साथ में परमात्मा ने ये भी हमें कहा कि पतित से पावन बनाने की रास्ता भी सबको बताना है, क्योंकि ये सच्ची रूहानी सर्विस है। दुनिया में बहुत सारे कार्य हैं, अनेक प्रकार की बातें हैं, लेकिन रूहानी सेवा कौन सी है, सर्विस कौन सी है? वो है सभी को पतित से पावन बनने की, क्योंकि लास्ट में जो परमधाम जाएंगे सभी आत्माएं पावन बन के जाएंगे। बाप है, परमात्मा है, वो हम बच्चों को महामंत्र दिए हैं। वो मंत्र कौन सी है? हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, मतलब आंखों से बुरा नहीं देखना है, कानों से बुरा सुनना नहीं है और मुंह से बुरा बोलना नहीं है। तुम्हें अपने कर्म इंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है, क्योंकि यह अंतिम जन्म है। क्योंकि कलयुग में तो सबसे पाप कर्म होते हैं, कोई भी चीज करते हैं वो पाप कर्म होता है। हम कितने भी सोचते हैं, क्योंकि आप सोच के देखिए, अगर हमने पुण्य कर्म किए होते इतना घोर कलयुग नहीं आता ना, तो सभी आत्माएं इसका मतलब पाप कर्म कर रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है? पवित्रता का, क्योंकि सभी गुणों में कौन सा गुण है सबसे श्रेष्ठ? पवित्रता। तो ये हमें याद रखना है, पवित्रता के गुण को धारण करना है, क्योंकि मुख्य गुण कौन सा है? पवित्रता का गुण। ये जो गुण है बहुत ही शक्तिशाली गुण, क्योंकि इसके आधार पर हम सारे गुणों को अपने अंदर ला सकते हैं। इससे क्या होगा? जो सर्व का सदगति दाता परमात्मा आए हैं, वो हम बच्चों को सदगति देने के लिए, वो हम सभी को बता सकते हैं कि सदगति दाता आए हैं और वो हमारे सामने बैठे हैं संगम युग में। भले वो ब्रह्मातन में बैठे हैं, लेकिन हमें याद तो सिर्फ शिव बाबा को ही करना है, निराकार ज्योति बिंदु को करना है, क्योंकि इससे ही आत्मा की पाप भस्म होगी और हम पावन बनेंगे। इसके लिए हम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि हम सतयुग में जा रहे हैं। दुनिया में बहुत सारी पुरुषार्थ किए, लेकिन सतयुग में कोई जा ना सका। और ये इतनी अच्छी पढ़ाई है परमात्मा की पढ़ाई, पावन बनते हैं और सतयुग में भी जाते हैं, इसलिए इसका सेवा भी हमें करना है। जिस तरीके से भक्ति में भगवान ने आज कहा कि भ्रमरी का दृष्टांत दिया कि भ्रमरी भू भू करके दूसरों को अपने जैसे बना देता है, तो हम अगर सतयुग में जा रहे हैं, देवता बन रहे हैं, तो हमें भी औरों को अपने जैसा बनाना है। ये है सबसे मुख्य सर्विस, सेवा, रूहानी सेवा जिसको कहते हैं, आत्माओं को ज्ञान देना। तो ये दूसरी बात हमें याद रखना है कि आत्माओं को ज्ञान देना हमें किसी भी हालत में, क्योंकि सभी को पावन बना के बाबा घर लेके जाएंगे और हम बाबा के शक्ति सेना हैं। तो इसलिए हम सभी को ये कार्य करना है, सबको ज्ञान सुनाना है। सत्युग में कुछ नहीं होता है ये सब विकार, लड़ाई, मार पीट, ये से कुछ नहीं होता है, क्योंकि छोटा परिवार होता है, सुखी परिवार होता है और सब कुछ संपन्न होता है। यहाँ देखो कितनी तकलीफ है। इसलिए हम कौन सी राज्य में जा रहे? लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा रहे हैं, जहाँ सभी देवी देवताएं होंगे। तो धीरे धीरे सभी लोगों को ये पता चलेगा, लेकिन कैसे? जब हम सर्विस करेंगे, रूहानी सर्विस करेंगे,
तो नंबर वन जो गुण है उसको बार बार बाबा कहते हैं कि धारण करनी है पवित्रता आंखों से कानों से। इसीलिए बाबा ने कहा ना, किसी बुराई न सुनना है न देखना है न बोलना है, इससे हमारे बोल में भी दिव्यता आ जाएगी, हम वरदानी बोल बोलेंगे। भगवान कौन है? वो हमारा टीचर भी है, गुरु भी है और बाप भी है। इसीलिए ना हम कहते हैं भक्ति में कि तुम ही हो माता पिता बंधु सखा तुम ही हो, मतलब हर संबंधों से जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हम मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि यही श्रेष्ठ है। तो जो दुनिया में क्या हुआ, मालाओं को सिमरण करते रहे, हमने देखा है कई बार गाड़ी में कहीं भी चलते फिरते लोग हाथ में कुछ कुछ बोलते रहते हैं और हांगुली को ऐसे ऐसे करते रहते हैं। कहने की बात है, परमात्मा कहते हैं आपको स्वदर्शन चक्र फिराना है। 5000 साल में हमने क्या क्या पाठ बजाया ताकि हमारी पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा, क्योंकि सतयुग में थे वाह बहुत अच्छा, त्रेतायुग में थे बहुत अच्छा, द्वापर में तकलीफ बड़ी, कलयुग में बहुत ही दुख झेला हमने, अब अंतिम समय में संगम युग अभी सुनहरा मौका है श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने की, क्योंकि 84 जन्म जब हम चक्र लगाएंगे बुद्धि से, मतलब स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, तब हम आत्माओं को पवित्र बनने की उमंग और परमात्मा को याद करने की उमंग आएगी, और इससे क्या होगा, पवित्र दुनिया स्थापना होती चली जाएगी। आत्मा जो अपवित्र थी वो पवित्र बन जाएगी, पहले तो पवित्र थी अभी अपवित्र बन गई, लेकिन फिर अभी पवित्र बनना है, इसलिए अपवित्र शरीर को अभी छोड़ना है, क्योंकि हम आत्माओं को पवित्र बन के अपने घर परम धाम जहाँ ज्योतित देश है वहाँ जाना है। हम आत्माओं को कितनी खुशी होनी चाहिए, माने दिन भर इसी ख्यालों में चिंतन करते हुए मुस्कुराते रहना चाहिए, भले दुनिया में कितने भी, देखिए एक दिया क्या करता है, कितने भी अंधेरा हो भले हवा चल रही हो लेकिन वो जलने की कोशिश करता है और जलता रहता है। तो इसी तरीके से हमें भी अपने चमक को रूहानियत को मुस्कुराहट को याद रखना है। देखिए भक्ति में मंदिर में भक्त जाते हैं और कितना महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न क्या क्या महिमा गाते हैं, ये जो शास्त्र में जो लिखा है वो महिमा करते हैं, लेकिन अभी हमें महिमा यज्ञ बनना है। दुनिया में तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, हम भी पूजा पाठ करते थे, लेकिन अभी मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता हमें प्राप्त करनी है तो परमात्मा को याद करना है, क्योंकि कलयुग से हम जा रहे हैं सतयुग में। आज जो बाबा ने कहा है कि अंदर से आसुरीपन को संपूर्ण रूप से समाप्त करना है, इसी के लिए हमें चलते फिरते ये सोचना है समझना है और इस चक्र को फिराना है, स्वदर्शन चक्र जो बाबा कहते हैं। सतयुग त्रेतायुग में देवात्मा था, फिर द्वापर में क्या हुआ, कितना पूजा पाठ क्या क्या किया, फिर भक्ति में कई जन्म इतना करते करते द्वापर से लेके कलयुग से लेके अभी अंत तक सृष्टि परिवर्तन हो रही है, तो इस अंत समय में स्वयं परमात्मा हमें मिल गए हैं, तो ये नशे में रहना है। बाबा कहते हैं कि याद के साथ साथ परमधाम घर को भी याद करना है, शिव बाबा को याद करना है और अपने घर ज्योतित देश को भी याद करना है। बाप ने जो स्मृतियां दिलाई है उनका स्मरण कर अपना कल्याण करना है। और बाबा वरदान में आज कह रहे हैं कि संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। वो जैसे कहते हैं ना, प्रतिज्ञा मैं अपनी तोड़ नहीं सकता हूं, धरत परिये धर्म ना छोड़िए। मेरा धर्म क्या है? शांति का धर्म है, सुख का धर्म है, पवित्र धर्म है, तो मैं अपने को अवगुण में कभी नहीं लाना है। मुझे आत्मा को मुझे महावीर बनना है, कितने भी कोई बातें आ जाए मैं अपनी धारणा को छोड़ नहीं सकता हूं। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुओं के संकल्प से भी स्वीकार ना हो, सदा अपने को इसी श्रेष्ठ सोमान में रखना है, श्रेष्ठ जीवन के श्रेष्ठ समर्थ स्वरूप द्वारा, हाँ श्रेष्ठ पाठधारी अपने आप को बनाना है, क्योंकि ये श्रेष्ठ खेल है। कमजोरियों का सब खेल समाप्त हो जाएगा जब हम ये स्मृति में रहेंगे और श्रेष्ठ बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। अब संगठित रूप में ये निश्चय करना है, बाबा स्लोगन में कहते हैं रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ, मतलब मैं एक शुद्ध पवित्र अजर अमर अविनाशी हूं, यह समझने से क्या होगा, रियल डायमंड इसको कहते हैं, तो हमारा प्रकाश पूरे संसार में फैलेगा।
तो मुरली की बहुत अच्छी अच्छी बात थी जो हमारे जीवन में बहुत ही काम आने वाला है। तो आज दिन भर इसी चिंतन में रहेंगे, और भी गहरा चिंतन हम अपने मन में करें और साथ में अनुभव करें कि सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, सुख का दाता भाग्य विधाता मेरे साथ है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।